स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोमेडिक में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों तीन ऐसी सफ़ेद चीज़ों की जिन्हें डायबिटीज़ के मरीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और अगर वो ऐसी चीज़ें खाते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ा रहेगा और उन्हें समस्या होगी। तो दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ अपने आप में एक साइलेंट किलर बीमारी है दोस्तों, क्योंकि लोगों को इससे ग्रस्त होने की भनक भी नहीं लगती, यानी लोगों को पता नहीं चलता कि वो कब इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों को हमेशा अपने खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा ठीक बनी रहे, बढ़े नहीं। तो दोस्तों, इसीलिए आपको समझना चाहिए कि आपको अपनी डाइट में से, जो आप रेगुलर डाइट में खाने की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से आपको कुछ चीज़ों को बाहर निकालने की ज़रूरत है जो आपको लगातार नुकसान दे रही हैं। और आज के वीडियो में हम ऐसे ही तीन सफ़ेद चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी डायबिटीज़ को लगातार बढ़ाती हैं और आपको दिक्कत में डालती हैं। और अगर आप इन तीन चीज़ों को अपनी डाइट से बाहर निकाल पाए दोस्तों, तो आपका डायबिटीज़ रिवर्सल बड़ी आसानी से हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों मैदा, और इसमें पोषक तत्वों की तो कमी होती है, फाइबर बिल्कुल नहीं होता और विटामिन और मिनरल्स भी नहीं पाए जाते, और इसके अलावा इसमें लगभग 74% स्टार्च होता है दोस्तों, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए नुकसानदेह है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ग्लूकोज की, तो ये ठीक नहीं है। मैं आपको और बताऊं दोस्तों कि समोसा, कचौड़ी आदि बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो मैदा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनको इसे सेवन करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जा सकती। इसके अलावा दोस्तों, जो मैदे से सफ़ेद ब्रेड बनते हैं, जो बन बनते हैं, ये सब कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के मरीजों के लिए और सामान्य लोगों के लिए भी बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है, ख़राब चीज़ है, तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, मैदे को तो किचन का प्रेत भी कहा जाता है, यानी जितनी जल्दी इसे आप बाहर निकाल देंगे उतना ही जल्दी आप स्वस्थ होंगे और लंबी आयु प्राप्त करेंगे। फिर दोस्तों, दूसरी सफ़ेद चीज़ है, वो है सफ़ेद चावल। जी हाँ दोस्तों, वाइट राइस, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, और चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको खाने से ब्लड शुगर लेवल में अचानक बड़ी तेज़ी से वृद्धि होती है दोस्तों। फिर मैं आपको बताऊं कि चावल में फाइबर की कमी होती है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज जो अवेलेबल होता है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता शरीर के द्वारा, और ब्लड शुगर बढ़ती रहती है। और दोस्तों, चावल में ग्लूटेन की मात्रा भी पाई जाती है, जो एलर्जी का खतरा पैदा करती है, यानी अगर आप ज़्यादा चावल खाते हैं तो आपको कई सारी समस्याएँ एक साथ हो सकती है, तो चावल को आप कम ही खाइए। लेकिन फिर भी अगर आपको चावल पसंद है तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, वो इतना नुकसान नहीं करते, वो बेहतर है आपके स्वास्थ्य के लिए, तो देखिएगा। फिर दोस्तों, तीसरे नंबर का जो सफ़ेद रंग का आइटम है, वो है कॉर्न फ्लोर या कॉर्न स्टार्च। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये पूरी तरह से स्टार्च है, और ये कहीं ना कहीं मक्के से, यानी मकई से निकाला गया है, और निकालते समय इसके सारे पोषक तत्व हटा दिए गए थे, और सूप को गाढ़ा करने के लिए, करी को गाढ़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और अगर ज़्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा।